दोस्तों सब्सक्राइब करो टेक्निकल यू को और लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए इस बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल यू में। मैं योगेश। आज इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं, यहाँ पर जो आने वाले जो यूजर्स हैं या तो आने वाली जो कंपनीज हैं जो कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, वहाँ पर देखिए बहुत सारे टेलीकॉम ऑपरेटर ने ये कर दिया है कि जो इनकमिंग जो कॉल्स होती है आपकी वो नो मोर फ्री, यानी कि इनकमिंग कॉल आप फ्री नहीं कर पाओगे। बट यहाँ पर एयरटेल जो कि है एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, ये तीनों कंपनीज ने ये मिलकर ये चीज़ें स्टार्ट कर दी है कि इनकमिंग कॉल आप फ्री में नहीं कर सकते। अगर आपकी आउटगोइंग की वैलिडिटी अगर ख़त्म हो जाती है तो आने वाले 15 डेज के बाद में आप इनकमिंग कॉल भी रिसीव नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर जियो की तरफ से क्या आने वाला है, ये बहुत सारे यूजर्स पूछ रहे हैं, बहुत सारी कमेंट्स आ रही है, उसके बारे में मैं डिटेल में आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर रिलायंस जियो का अगर देखा जाए जो रिचार्ज प्लेटफॉर्म या तो जो प्लान प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पर देखिए एक्चुअल में जो प्लान आता है वो वैलिडिटी के साथ में आता है, बट यहाँ पर जो मिनी रिचार्जेस होते हैं वो रिलायंस जियो के पास तो मोस्टली तो अवेलेबल नहीं है। और जो भी आप प्लान का रिचार्ज करोगे उसकी वैलिडिटी तो आपको पता है या तो 84 डेज होती है या तो 28 डेज होती है या तो 70 डेज होती है, बट यहाँ पर रिलायंस जियो की तरफ ऐसा कोई भी फंडा या कोई फीचर नहीं है कि आपको वैलिडिटी का रिचार्ज करना पड़ेगा। रिलायंस जियो के पास ओनली वन एक सर्विस जो है कि आपको प्राइम का रिचार्ज करना पड़ता है, बट वो अभी तक जो न्यू यूज़र को ही करना पड़ता है, जो पिछले यूज़र है उन्हें अभी तक करने की कोई ज़रूरत पड़ी भी नहीं है और आने वाले कुछ दिनों में पड़ेगी भी नहीं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं हम जो कि हमारे इनकमिंग कॉल फ्री रिलायंस जियो पे चलेंगे या नहीं चलेंगे। फिलहाल तो रिलायंस जियो ने अभी तक इसके लिए कोई भी स्टेटमेंट दिया नहीं है और शायद रिलायंस जियो इनकमिंग कॉल आपके फ्री रहने ही देगा। अगर आपके पास जियो का सिम है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए क्योंकि आपकी इनकमिंग कॉल वापस स्टॉप होने वाली नहीं है अगर आप कोई भी रिचार्ज नहीं करते हैं। अगर आपका यूज़ नहीं है, 90 डेज तक आपने कोई भी यूज़ नहीं किया सिम कार्ड का, या तो आपका सिम कार्ड स्टॉप है जो कि स्विच ऑफ है आपका सिम कार्ड 90 डेज तक, तभी आपका सिम कार्ड यहाँ पर जो कि डिसकंटिन्यू किया जाएगा रिलायंस जियो की तरफ से अगर 90 डेज आप कोई भी रिचार्ज या कोई भी कॉल या कोई भी कुछ भी नहीं करते तो। ठीक है, अगर आपके पास बैलेंस हो या कोई एक्टिव प्लान नहीं भी रहा तो आप इनकमिंग कॉल इजीली ले पाओगे। तो कुछ इस तरीके की न्यूज़ थी दोस्तों, और यहाँ पर रिलायंस जियो ने अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है कि हम इनकमिंग के लिए स्पेशल रिचार्ज निकाल रहे या तो ऑफिशियल जो वैलिडिटी वाला रिचार्ज निकाल रहे, और रिलायंस जियो ऐसा करेगा भी नहीं। यहाँ पर रिलायंस जियो की तरफ से ऐसा कुछ आने वाला नहीं है, इसलिए अगर आपके पास ऑलरेडी अदर सिम कार्ड है अगर आप पोर्ट करना चाहते हो तो रिलायंस जियो में इजीली कर सकते हैं। रिलायंस जियो में आपको कोई रिचार्ज नहीं करना होगा। तो कुछ इस तरीके की छोटी सी न्यूज़ तो दोस्तों। इसके बारे में अगर और भी कुछ जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।